दोस्तों आपको पता है कि ओके क्रेडिट की तरफ से ये लगातार कोशिश जारी है कि आप अपने बिजनेस को कैसे और भी ज्यादा एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लगातार हम आपको टिप्स देते रहते हैं, लगातार हम आपको ये आइडियाज देते रहते हैं कि कैसे आप एक स्ट्रैटेजी बनाकर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतार सकते हैं और उसका स्केल अप कर सकते हैं। हम आपको ये भी कई बार बता चुके हैं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे ब्रांड के साथ जोड़कर उसकी पब्लिसिटी कर सकते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो बहुत उपयोगी है और ये उपयोगी इसलिए है क्योंकि आज हम बात इसके बारे में नहीं करेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे और भी ज्यादा एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन हम बात इस बारे में करेंगे कि जो प्रोडक्ट्स, जो ब्रांड्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, आखिरकार उनकी क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज थी जो आपके पास नहीं है, या फिर उनके पास ऐसे कौन से टिप्स हैं जो आप भी अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आप भी अपने बिजनेस का स्केल अप करने के लिए यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि पूरे वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करवा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केलेबिलिटी की। स्केलेबल का अर्थ है एक छोटे से बिजनेस को पूरी दुनिया में पहुंचा देने की क्षमता का होना। स्केलेबल का अर्थ है कि किसी प्रोडक्ट को दुनिया में किस प्रकार लेकर जाना है, उसे किस तरह सेल करना है, उसके तरीके जानना, बिजनेस में एक ऐसा प्रोसेस बनाना जिससे प्रोडक्ट अपने आप पूरी दुनिया में फैलता चला जाए, आपके बिजनेस में लॉयल्टी क्रिएट हो जाए, आप हरिद्वार में भजन कीर्तन करते रहें और आपका बिजनेस अपने आप बढ़ता चला जाए। यही होती है स्केलेबिलिटी। एप्पल, अलीबाबा, एयरबिन, फेसबुक, व्हाट्सएप, उबर, ये 6 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने वाकई में स्केलेबिलिटी का मतलब समझा और समझाया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। एप्पल, एप्पल दुनिया की ऐसी प्रीमियम कंपनी है जो अपना मोबाइल खुद ना बनाकर दूसरों से बनवाती है, लेकिन उसे अपने नाम के माध्यम से बेचती है। एप्पल मोबाइल के पार्ट्स सैमसंग, एलजी जैसी कंपनियां तक बनाती हैं। इसके अलावा इसके पार्ट्स जापान, साउथ कोरिया, चीन, अमेरिका में बनाए जाते हैं। हाल ही में कंपनी ने अमेरिका में संसाधन कम होने के कारण मोबाइल के कई महत्वपूर्ण पार्ट्स को चीन में बनवा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल पूरी तरह से अपना मोबाइल खुद नहीं बनाता है। Alibaba.com, अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर कंपनी है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सेलर एंड बायर्स का नेटवर्क है। अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए अलीबाबा ने अपना ही पेमेंट पोर्टल बना दिया जिससे थर्ड पार्टी पेपल जैसी कंपनियों को अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं थी। जैकमा एक इंग्लिश टीचर थे और उन्होंने अपने घर से इस बिजनेस का स्टार्टअप किया। अलीबाबा के सेल्स का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2014 में सिर्फ अलीबाबा ने $420 बिलियन का बिजनेस किया था, जबकि अमेजॉन तथा ईबे ने मिलकर भी $90 बिलियन का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। आज वर्तमान में अलीबाबा की दुनिया भर में लगभग 300 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर है। एयरबन, ये दुनिया का सबसे बड़ा अकोमोडेशन प्रोवाइडर है, लेकिन दुनिया में इनकी खुद की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। आज लगभग 2 लाख लोग एयरबन से जुड़ चुके हैं और हर दिन कहीं ना कहीं प्राइवेट रूम लेकर रह रहे हैं। यह अकेली ऐसी कंपनी है जो कि C2C मॉडल पर काम करती है और ये पहली बार हुआ कि किसी कंपनी ने डायरेक्ट कस्टमर को कस्टमर से मिला दिया है, जिसमें व्यक्ति जिसने रूम किराए पर लिया है वो किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे रहा है। कंपनी जो आज लगभग $30 बिलियन की वैल्यू क्रिएट कर चुकी है। फेसबुक, आज दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बन चुका है फेसबुक। आज लगभग 1.5 बिलियन लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया का 85% रेवेन्यू सिर्फ फेसबुक से आ रहा है। आज फेसबुक किसी प्रकार का कंटेंट नहीं लिख रहा है, बल्कि दुनिया भर से जो लोग फेसबुक चला रहे हैं वही कंटेंट लिख रहे हैं। फेसबुक का मॉडल बहुत ही आसान है। फेसबुक ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में काफी हेल्प की है, या यूं कहें कि जोड़ दिया है। उबर, उबर आज दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इनकी खुद की टैक्सी कोई भी नहीं है। आज 50,000 ड्राइवर हर महीने उबर ज्वाइन कर रहे हैं और लगभग 1 मिलियन लोग कहीं ना कहीं उबर टैक्सी का फायदा उठा रहे हैं। उबर ने इतनी एम्प्लॉयमेंट जारी कर दी कि लोगों का जीना आसान हो गया। कम समय तथा कम कीमत में उबर आपको ड्राइवर के साथ एक टैक्सी किराए पर उपलब्ध करवा देता है। इस कंपनी की शुरुआत US में हुई थी और आज इसकी वैल्यू करीब $55 बिलियन की है। उबर से न केवल ड्राइवर को फायदा होता है, बल्कि कंपनी से लेकर ट्रैवलर तक को फायदा रहता है। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ी मैसेजिंग सर्विस है, लेकिन उसका खुद का कोई भी सर्वर नहीं है। ये ऐप आपके मोबाइल को भी सर्वर बना लेती है।
व्हाट्सएप की शुरुआत 2010 में हुई थी और आज दुनिया में 1.5 मिलियन यूजर हैं जो व्हाट्सएप चलाते हैं। व्हाट्सएप लगभग सभी स्मार्टफोन्स में यूज किया जा सकता है, चाहे वो नोकिया हो, सैमसंग हो, एप्पल हो, ब्लैकबेरी हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में व्हाट्सएप चलाया जा सकता है। दरअसल बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके पास जो कुछ भी है उसकी वैल्यू क्रिएट करना तथा उसे ब्रांड बनाकर लोगों तक पहुंचाने पर ही बिजनेस स्केल अप हो पाता है। दोस्तों, यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते रहेंगे, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, तो आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि आप दूसरे आम व्यक्ति के साथ करते हैं। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो आपका व्यवहार उसके साथ काफी अलग तरीके से होगा। उसी तरह यदि आपके प्रोडक्ट में कोई बात है तो उसे पहचानिए तथा उसकी खासियत लोगों तक पहुंचाने में जोर लगा दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पर फोकस कीजिए जिसे आप बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। सभी काम आपको करने की जरूरत नहीं है। मारुति सुजुकी हो या होंडा, ये सभी कंपनियां गाड़ी तो बनाती हैं लेकिन उसके टायर ट्यूब नहीं बनाती। तो कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट किस एक अलग चीज के कारण बिक सकता है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, और उसके बाद आप उस वैल्यू पर, उस यूएसपी पर, यूनिक सेलिंग पॉइंट पर पूरा का पूरा फोकस अपना केंद्रित कर दीजिए। और जाहिर सी बात है, जब एक बार आपके प्रोडक्ट को नाम मिल गया, जब आपके एक बार प्रोडक्ट को लोग पहचानने लग पड़े, तो फिर बिजनेस आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि आप आगे कैसे कैसे वीडियोस देखना चाहेंगे, आप किस तरह के और एक्सपेरिमेंट्स बिजनेस को लेकर करना चाहते हैं। हम वीडियो जरूर अपलोड करेंगे, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा और मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।